सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं वनीला एंड चॉकलेट मफिन्स। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें दूध डाल दीजिए। अब आप इसमें वाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकती हैं। और वनीला एसेंस भी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप एक चन्नी ले लीजिए और उसको बाउल के ऊपर रख लीजिए और मैदे को छान लीजिए। अब आप इसमें पिसी चीनी डालकर उसको भी अच्छे से छान लीजिए। अब आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। बेकिंग सोडा भी डाल दीजिए और अच्छे से छान लीजिए। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए। आप इसको बीटर से भी मिक्स कर सकती हैं। अब आप थोड़ा सा मिक्सचर एक बाउल में निकाल लीजिए। ज्यादा नहीं, पर 2 से 3 टेबलस्पून आपको निकालना है। अब आप इसमें कोको पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप मफिन्स मोल्ड ले लीजिए और इसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अब आप मोल्ड में चॉकलेट वाला मिक्सचर डाल दीजिए, इसको ऊपर तक नहीं भरना है। अब जो हमने थोड़ा सा मिक्सचर वाइट वाला अलग किया था वो इसके ऊपर डाल दीजिए। ऐसे ही सारे मोल्ड आप तैयार कर लीजिए और हल्के हाथों से टैप कर लीजिए। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए और उसको गरम कर लीजिए। उसमें एक स्टैंड रख कर प्लेट रख दीजिए और जो हमने मफिन्स वाले मोल्ड तैयार किए थे वो इसमें रख कर ढक दीजिए। जब मफिन्स तैयार हो जाएं तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। इसको बनने में 10 से 12 मिनट लगे थे। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकती हैं, पर मैंने व्हाइट चॉकलेट मेल्ट की है
और उसको थोड़ा सा डिप कर लिया इसमें। ऊपर से थोड़े चोको चिप्स डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको प्लेन भी खा सकती हैं। अब वनीला एंड चॉकलेट मफिन्स बनकर तैयार हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।